हेलो दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है और घर पे उनके फेवरेट बेसन के लड्डू ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सुपर टेस्टी बेसन सूजी लड्डू बनाने के लिए बड़े से परात में मैं ले रही हूँ 1.5 कप बेसन, और बेसन के साथ ही मैं डाल रही हूँ 1.5 कप सूजी भी। तो सूजी और बेसन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक या मोटी, क्योंकि हम आगे वैसे भी इसको प्रोसेस करने वाले हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे घी मोइन के लिए। तो यहाँ पे टोटल घी मैं यूज़ कर रही हूँ 1/3 कप, यानी कि 6 टेबल स्पून। आप चाहें तो आधा तेल और आधा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर डालिएगा 1/3 कप। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा सा मॉइस्चर आ जाता है और जो अंदर जो लड्डू है ना, एकदम हमारे मॉइस्ट बनेंगे और बढ़िया से एकदम अच्छे से तलाएंगे। तो इसको अभी हम थोड़ा क्रश कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा मसल लीजिए ताकि मोइन उसमें लग जाए। तो पहले थोड़ा सा घी डालेंगे, उसके बाद फिर दूसरा बैच घी डालेंगे और ऐसा मोइन देते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट वे है लड्डू बनाने का, लेकिन बहुत मज़े का रहता है। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है और नहीं, शॉर्टकट मेथड है। मतलब नॉर्मली अगर आप बेसन काफ़ी टाइम भूनते हैं, फिर आप सोचते हैं कि भूना भी है कि नहीं बेसन, और कच्चा तो नहीं है, और कच्चा रह गया तो गले में लगता है, तो वो सारे जो भी मिस्टेक्स के चांसेस है ना, सब खत्म हो जाते हैं। ये इतना बढ़िया प्रोसेस है। तो पूरा घी डाल दीजिए, टोटल 1/3 कप। तो बेसिकली हमने टोटल 3 कप यूज़ किया है ना बेसन एंड सूजी मिला के। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 6 टेबल स्पून, मतलब हर एक कप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 2 टेबल स्पून। तो मान लीजिए अगर आपको कम ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है तो आप इसके हिसाब से प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये देखिए घी अच्छे से इसमें रब हो गया है। और पूरा इसमें से एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब क्या करेंगे, थोड़ी सी मुट्ठी बना के देखेंगे। ये देखिए बाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। और वैसे तो मैंने आपको नाप से ही बता दिया था, तो ये परफेक्ट है। और अगर मान लीजिए आपका बेसन कम ज़्यादा होता है, मोटा पतला होता है, तो 1 से 2 टीस्पून अगर घी और लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, बस मुट्ठी जितना होना चाहिए। तो बेसिकली ये मोइन देने का स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डाल देंगे बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी फ्रेंड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि अच्छा सा प्यार सा गोल्डन कलर आ जाए लड्डू में। वैसे ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसको भी मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे, और जैसे नॉर्मली हम आटा गूंथते हैं। तो पानी आपको थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि क्या होगा ना, बेसन और सूजी अच्छा खासा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये देखिए मैंने सेमी सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है, इसको साइड में रख देंगे बस 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आटा थोड़ा सा कड़क हो गया, क्योंकि पूरा सूजी और बेसन ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए इस तरह से दरदर आपका आटा होना चाहिए। मैं आपको खोल के भी इसलिए दिखा रही हूँ, हर एक स्टेप मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो। तो अब इसका क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और ऐसे सिलेंड्रिकल रोल्स या फिर ऐसे छोटी छोटी मुठियाँ बना के ऐसे फ्लैट करके टिक्कियाँ बना देंगे। बेसिकली कोई भी रफली शेप होना चाहिए, कोई भी रफ शेप होना चाहिए, स्पेसिफिक कुछ नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हम इसको आगे फ्राई करने वाले हैं। तो आप ऐसे इसके लड्डू बना लीजिए या ऐसे फ्लैट कर लीजिए। तो नॉर्मली मैं ऐसे फ्लैट करके टिक्कियाँ बनाती हूँ, उससे क्या होता है ना, तलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। वरना अगर आप मोटे मोटे बॉल्स बनाएंगे ना, तो तलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये देखिए सारी फ्लैट टिक्कियाँ तैयार हो गई है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल रखा है गरम करने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। इसमें हम फ्राई करते जाएंगे, तो एक एक करके सारी टिक्कियाँ डालते जाइए। और गैस का फ्लेम फ्रेंड्स लो मीडियम पे रखना है, उससे क्या होगा ना, आपकी जो टिक्कियाँ है ना, वो अंदर तक अच्छे से पक जाएगी। नॉर्मली ऐसे कभी आपने वड़ी तली होगी या बेसन की टिक्कियाँ तली होगी, तो आपको ज़रूर से पता होगा कि अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट होनी चाहिए और पकनी चाहिए। वरना अगर आपकी एकदम हाई फ्लेम पर पका देंगे ना, तो क्या होगा, जल्दी से ऊपर से डार्क हो जाएंगी ये टिक्कियाँ और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमको वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। मैं आपको अंदाज़ा दे देती हूँ, इसको फ्राई होने में करीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, ताकि अंदर तक के भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए करीबन 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऊपर की जो सतह अच्छे से वाइट हो गई, मतलब ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई। और आपको ऑयल को देख के ही पता चल रहा होगा ये लो मीडियम फ्लेम के बीच में ही है। तो इसको फ्राई होने देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे पीछे गैस पे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि अंदर तक बढ़िया से पक जाए।
तो फ्रेंड्स, इस लड्डू को इस खास तरीके से बनाया जाता है जिसकी वजह से बेसन के ना तो कच्चे रहने का डर होता है, ना तो आपको बहुत देर तक के बेसन को भूनना होता है, और ना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाशनी बनानी होती है। तो मुझे फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये प्रोसेस कैसा लगा और आप कैसे लड्डू बनाते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक लिया था उसकी लोई और उसको मैं बेल रही हूँ। तो मैं बेल क्यों रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरी तरह कैलोरी कॉन्शियस होते हैं, तो अगर आपको फ्राई नहीं करना है और उसके बाद भी आपको ऐसे लड्डू के मज़े लेने हैं ना मेरी तरह, तो आप सारी लोइयाँ बना के ऐसे बेल लीजिए। नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाते हैं, जितना पतला बेल सकते हैं उतना अच्छा। ये देखिए एक बड़ी सी रोटी मैंने बेल दी और यहाँ पे मैंने रखा है तवा गरम होने के लिए मीडियम फ्लेम पे ही। इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे क्योंकि घी का फ्लेवर तो बनता है ना फ्रेंड्स, भले ही कैलोरीज थोड़ी सी कम हो जाए लेकिन थोड़ा सा घी का फ्लेवर तो आना चाहिए। और इसमें हम सेक लेंगे ये रोटी। तो जैसे ही आप डालेंगे तो उसको एक मिनट छोड़ दीजिए मीडियम फ्लेम पे और दूसरी तरह से फ्लिप करके देखेंगे आप कि धीरे धीरे ये वाइट होना स्टार्ट हो रही है। देखिए इसको दबा दबा के ऐसे पका लीजिए और फिर से इसके इस साइड ना थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाइए ताकि एकदम ही सूखी सूखी रोटी ना बने, थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसमें होना चाहिए। तो मैंने दोनों तरफ से पका लिया 2 से 3 मिनट के लिए और थोड़ा थोड़ा घी लगा के भी पका दिया था, तो इसको साइड में निकाल देंगे। और चलिए मुठिया भी चेक कर लेते हैं, तो ये टिक्कियाँ भी एकदम अच्छे से फ्राई होगी। मैंने क्या किया था, एक टिक्की को निकाल के तोड़ के भी देखा, अंदर से भी एकदम अच्छे से पक गई है। तो आप ट्राई कर सकते हैं या फिर टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि इसका कच्चापन निकला कि नहीं। और ये देखिए हल्की सी गोल्डन ब्राउन भी होना स्टार्ट हो गई है, बस बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे और इसको इस स्टेज में निकाल देंगे। तो सारे मैंने निकाल दिए और एक बड़े से प्लेट में मैं ये टिक्कियाँ और जो रोटी मैंने बनाई थी साइड में रख दूंगी। इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसको पीसेंगे, गर्म में ये बिल्कुल भी नहीं पिसाएगी। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम जल्दी से अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है छोटा सा तड़का पैन, इसमें हम डाल रहे हैं 2 टीस्पून घी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें हम फ्राई करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, आप चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन पिस्ता क्या फ्राई करने से डार्क हो जाते हैं, तो बाद में भी आप उसको डाल सकते हैं। तो काजू बादाम को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, 30 से 40 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। तो अब गैस का फ्लेम लो कर दीजिए या फिर आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश अब, क्योंकि किशमिश को फूलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स किशमिश वगैरह सब रोस्ट हो गए, इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप शक्कर। तो फ्रेंड्स 1.5 कप शक्कर कैसे, जितना बेसन और सूजी हमने यूज़ किया है ना, मतलब 1.5 कप बेसन और 1.5 कप सूजी, तो उस अंदाजे से 1.5 कप हमने यूज़ की है शक्कर। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पानी, मतलब जितना शक्कर है उसका आधा पानी। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे मैं बनाती जाती हूँ ना, आपको सारे रेशियोज़, क्वांटिटी, सारी डिटेल्स देती जाती हूँ ताकि आपके साथ कोई भी गड़बड़ ना हो और आप एकदम परफेक्टली रेसिपी बना सकें। तो अगर आपको मेरा ये प्रोसेस अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे प्रोसेस और ऐसी रेसिपीज़ बना सकूँ। तो शक्कर और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शक्कर अच्छे से घुल जाए और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। इसकी हमको कोई चाशनी नहीं बनानी है फ्रेंड्स, बेसिकली हमको कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस हमको ये है कि शक्कर अच्छे से पिघल जाए और 1-2 बॉईल इसमें आ जाए। देखिए मैं आपको अपने हाथ से दिखाती हूँ, थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, मतलब 1-2 बॉईल आ गए, थोड़ा सा चिपचिपापन आ गया है बिल्कुल हनी के जैसा, बस ऐसा ही हमको चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है वरना आपके लड्डू कड़क हो जाएंगे। तो बस अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवरिंग के लिए, आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं, रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, और इसको साइड में रख देंगे हल्का ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम अपनी जो टिक्कियाँ बनाई थी ठंडी हो गई उसको तोड़ तोड़ के मिक्सी में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितनी फटाफट टूट रही है, मतलब कि एकदम खस्ता बनी है अंदर से, और इसको पीस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल दरदरा टेक्सचर, जैसे कि मोटी सूजी का होता है ना फ्रेंड्स, वैसा दरदरा टेक्सचर तैयार हो गया है और ये बहुत मज़े का लगता है फ्रेंड्स। जब इसके लड्डू बनते हैं ना बहुत मज़े का टेक्सचर आता है मुंह में। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे परात में और इसी तरह से दूसरा बैच भी टुकड़ों में डाल देंगे। और ये देखिए जो रोटी थी ना वो भी अच्छी कड़क हो गई है सूखने के बाद, इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे और पिस के इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे परात में।
नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए चाशनी हमारी हल्की गर्म ही रह गई, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना, कलर थोड़ा सा और होना चाहिए लड्डू में, थोड़ा सा केसरी कलर, क्योंकि मैंने केसर नहीं डाला था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक पिंच फूड कलर डाल रही हूँ, केसर फूड कलर वैसे कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ पे हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एकदम येलो लड्डू चाहिए तो। तब इस परात में हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें चाशनी थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप इस लड्डू को तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, कोई भी मौसम में कोई भी त्यौहार में आप बना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो शुगर सिरप डालते जाइए जब तक आपको ऐसा ना लगे कि बाइंडिंग स्टेज में आ गए। तो ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि शुगर सिरप खाली 2 से 3 टेबलस्पून रह गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिक्सचर है ना काफ़ी गीला सा हो गया है। तो इस स्टेज में इसको बस आधे घंटे के लिए आप चाहिए तो ये स्टेप कर सकते हैं, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, सूजी और बेसन वापस से काफ़ी सारा मॉइस्चर सोक कर लेती है, तो फिर से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए फिर से थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो बाकी का सिरप भी मैंने इसमें डाल दिया। वरना आप अगर एक बार में पूरा सिरप कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका मिक्सचर गीला हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि लड्डू तो एकदम गीले हो गए और सिरप रह गया है, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये देखिए अब एकदम परफेक्ट स्टेज है कि लड्डू बाइंड भी हो रहे हैं और पूरा शुगर सिरप भी एब्जॉर्ब हो गया है। तो बस अब इसके छोटे छोटे लड्डू बांधते जाएंगे, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए अपने हाथों से, और आप चाहें तो दोनों हाथों से भी ऐसे लड्डू बना सकते हैं अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है तो। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स भी दिख रहे हैं और हल्का सा दरदरापन दिख रहा है ऊपर, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा टेक्सचर का जैसे कि हलवाई के लड्डू मिलते हैं। बस इसी तरह से सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। देखा फ्रेंड्स कितना ईजी प्रोसेस था। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज रियली अच्छी लगती है ना, तो फ्रेंड्स इसे लाइक करना मत भूलिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो बस सारे लड्डू को प्लेट अप कर देंगे। तो फ्रेंड्स बस ये लड्डू तैयार हो गए, मैं इनको भोग लगाऊंगी श्री गणपति जी को, क्योंकि मैंने इसे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया बीच में। और अगर आपको चाहिए तो आप इसको पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं अच्छे कलर कॉम्प्लीमेंट के लिए, और पेपर कप्स में भी डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। बस मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट था और अंदर का टेक्सचर क्या आया है, दरदरा लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सॉफ्ट और मॉइस्ट। और ये रूम टेम्परेचर पे 4 से 5 दिन तक के अच्छे रहते हैं, फ्रिज में तो 2 हफ्ते तक के अच्छे रहते हैं अगर बच जाए तो। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।